शासन पर भारी पड़ा भ्रष्टाचारी सीएम और डॉक्टर यशपाल सिंह यादव। सांसद संघमित्रा मौर्या ने सीएम से की मुलाकात कर जिले के भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत। सीएमओ पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। भाजपा भ्रष्ट क्षेत्र के प्रदेश अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी समेत सांसद मंत्री विधायक ने सीएमओ बदायूं डॉक्टर यशपाल सिंह यादव के भ्रष्टाचार की शिकायत मां मुख्यमंत्री से की, लेकिन भ्रष्ट सीएमओ पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीएमओ बदायूं पर तमाम गंभीर आरोप हैं। कोरोना काल में सांसद व विधायक निधि का धन किया बर्बाद, अपनी चहेती फर्मों को भुगतान किया गया, सपा नेता के अस्पताल को बिना मानक पूर्ण किए रजिस्ट्रेशन दिलाया, इसके बाद में अस्पताल पर की गई कार्रवाई में पीछे हट हुए हैं। वह 60 कर्मचारियों के हटाने के मामले में सीएमओ बदायूं यशपाल सिंह को हाईकोर्ट ने दोषी माना है। आशाओं के भुगतान से वसूली न होने पर 42 लाख का भुगतान न करके धनराशि वापस कर दी, ऐसे तमाम गंभीर आरोप है सीएमओ बदायूं पर। राज्यपाल की आज्ञा से अपर मुख्य सचिव ने जारी किया था आदेश। 25 मार्च के आदेश का एक पत्र, जिसमें अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद द्वारा एक पत्र जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें राज्यपाल की आज्ञा द्वारा भ्रष्ट सीएमओ डॉक्टर यशपाल सिंह यादव के खिलाफ जांच कर अनुशासनिक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन सीएमओ बदायूं अपनी साठ गांठ करने में लगे हुए हैं। हाईकोर्ट ने भी दोषी माना सीएमओ डॉक्टर यशपाल सिंह यादव को। 60 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने के मामले में हाईकोर्ट ने भी दोषी माना सीएमओ डॉक्टर यशपाल सिंह यादव को। कोर्ट ने कहा, दस्तावेज सही, गलत भर्ती कैसे। बदायूं सीएमओ डॉक्टर यशपाल सिंह यादव की शिकायत खुद सांसद संघमित्रा मौर्या ने भी मुख्यमंत्री से की थी और कहा था कि सीएमओ को तमाम शिकायतें हैं, वे अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं और कोविड-19 महामारी जैसी बीमारी में कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है, जबकि इस पर रोक लगी हुई है। साथ ही उन्होंने अपने पत्र में कहा था कि सीएमओ यशपाल सिंह यादव पर जो कि भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर चुके हैं, कृपया करके कार्रवाई करने की कृपा करें। डीएम बदलते ही दबा दी गई शिकायत। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जवाब न देकर शिकायत को ही डिफॉल्टर में डालकर मामले को दबा दिया। 15 दिन से डिफॉल्टर में पड़ी शिकायत। स्वास्थ्य विभाग के पास शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर है। पिछले 15 दिन से शिकायत को डिफॉल्टर में डाल रखा है। ऑनलाइन पोर्टल के कॉलम डिफॉल्टर में डालकर स्वास्थ्य विभाग ने छोड़ दिया है, जिसकी वजह से कार्रवाई की प्रक्रिया भी रोक दी।